हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल साइन विद निखिल में। तो हम लोगों ने एक जेएसएससी सीजीएल का सीरीज़ स्टार्ट किया है जिसमें हम लोग पूरा सिलेबस को कवर करेंगे, और उसमें से हम लोग नाटक को देख रहे थे। तो जिसमें हम लोग का सिलेबस में 4 नाटक था और हम लोगों ने 3 नाटक प्रीवियस वीडियोज़ में कम्प्लीट कर चुके हैं, और ये आपका चौथा और आखिरी है नाटक डाह, जिसका मतलब होता है ईर्ष्या या फिर जेलेसी। ठीक है, तो नाटक स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बात करना चाहूँगा आपसे कि अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं और अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लग रहे हैं और आपको कहीं ना कहीं किसी भी फील्ड में ये हेल्प कर रहे हैं, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ये शेयर करिए और ज़रूर इसे सब्सक्राइब करिए, और इससे मुझे बहुत अच्छे मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, तो नाटक आपका है डाह। इस नाटक को मैं जब पढ़ रहा था तब मुझे थोड़ा सा बहुत ही दुख लगा और मैं इमोशनल हो गया थोड़ा सा, क्योंकि इसमें दो भाइयों के बीच प्रेम का आपको दिखाया गया कि कैसे दो भाई का बीच स्नेह होता है, और तीसरा जो होता है गांव का कोई आदमी या फिर कोई भी तीसरा व्यक्ति, वो दोनों के प्रेम से जलता है। तो इसी में नाम रखा गया इसका डाह। ठीक है, तो इसके पहले मुख्य बातें हम लोग देख लेते हैं। इसका इनका लेखक है सुकुमार। ठीक है, प्रकाशक हैं श्रीमती मूर्ति देवी, और इसका प्रथम प्रकाशन हुआ है 1992 में और द्वितीय हुआ है 2009 में। इसका मुख्य पृष्ठ चित्रकार जो इसका मुख्य जो नाटक का किताब जो मुख्य पृष्ठ छापा गया किनके द्वारा है, दिनेश दिनमणि के द्वारा, और भूमिका है शिवनाथ प्रमाणिक। फिर है ओत प्रोत, मतलब समीक्षा कौन किया है पूरा कहानी का, तो AK झा किए हैं। और पहली नाटक इसका कब खेला गया, तो बसंत पंचमी में। और नाटक करनिहार कौन है, मतलब नाटक किसने किया था ये स्टेज पे, वो है नवीन बाल समिति जवाहर राष्ट्रीय भेंडरा के सदस्य, सब लोग ये मिलके किए थे। अब सबसे पहले नाटक स्टार्ट हो रहा है, तो इसका कैरेक्टर हम लोग देख लेंगे कौन कौन कैरेक्टर्स हैं। तो इसका मेल कैरेक्टर्स में आते हैं सबसे पहले विवेक, जो कि इस कहानी का नायक है। फिर आते हैं उनका भाई शेखर, विवेक के छोटे भाई। सेठ रेवती प्रसाद, जो रेवती इंजीनियर्स वर्क्स के मालिक हैं, और ध्रुव सिंह, जो रेवती इंजीनियरिंग वर्क्स के मैनेजर है। और विराट एगो चालबाजी लड़का है, मतलब नेगेटिव रोल में है, जो कि आपका विवेक से जलता है। और जग्गा जो कारखाना का सुपरवाइज़र है। ठीक है, और सातवां है गुप्ता जी, जो एक सरकारी वकील है। और आठवां है बक्सी जी, जो दूसरा वकील है, मतलब आपका अपोजिट पार्टी के। मतलब ये एक क्या होता है कि आपका ये पूरा नाटक एक कोर्ट में आपका दिखाया गया है। ठीक है, और बैकग्राउंड में उसका स्टोरी बताया जाता है। ठीक है, और फीमेल कैरेक्टर में आती है दो, एक रचना जो विवेक की वाइफ है, और भावना जो विराट की वाइफ है। ठीक है, डाह का मतलब जैसा कि मैंने आपको कह दिया है ईर्ष्या या जलन, और मुख्य वाक्य मतलब मानुष्य का अनेकानेक भाविक माझे। ठीक है, सब अब कहानी स्टार्ट करते हैं। किसी गाँव में दो भाई रहते थे, विवेक और शेखर। वो लोग दोनों अच्छे, बहुत ही अच्छे, दोनों के बीच प्रेम था। और विवेक शादीशुदा व्यक्ति था, तो उनकी वाइफ का नाम था, पत्नी का नाम था रचना। विवेक एक इंजीनियरिंग कारखाने में काम किया करता था, और उसका छोटा भाई खेती बाड़ी में ध्यान देता था। दोनों अपने अपने कामों में बहुत ही ईमानदारी से काम करते थे, और दोनों के कामों में बहुत ही ज़्यादा उन्नति और प्रगति हो रही थी। विवेक सुपरवाइजर से फोरमैन में तरक्की हो चुका था, और दूसरी तरफ उसके भाई का फसल अच्छी तरह का से लगा था, तो वो भी दो जोड़ों का बैल खरीदा था, और एक आपका मशीन जो कि पटाने में काम आता है, आपका पानी पटाने में काम आता है, उसको वो खरीदना चाहता था। तो उसके लिए दोनों पैसा जमा कर रहे थे। ठीक है, विवेक की परिवार की तरीके से गाँव का एक व्यक्ति जो रहता है विराट, वो दोनों से बहुत ही जलन करने लगता है, और वो कहीं ना कहीं तात में रहता है कि दोनों को लड़वा दिया जाए। ठीक है, अब क्या होता है कि आप कारखाने में भी वह ठीक से काम नहीं करता था विराट, और पूरे पैसे के लिए किचकिच करता रहता है। ठीक है, इसी बात को लेकर एक दिन विराट की विवेक से कहा सुनी हो जाती है, और विराट उसे विवेक को धमकी दे देता है कि देख लेंगे तुम्हें, मार देंगे। ठीक है, और तुम्हारा भी जो भी घमंड उसे चूर चूर कर देंगे, ऐसे धमकी देता है। विराट विवेक को बर्बाद करने की फिराक में रहता है, पर मौका ही नहीं मिलता है, क्योंकि विवेक कभी मौका ही नहीं उसे देता था। विराट अपने एक शराबी दोस्त जो जग्गा होता है, उसकी मदद शेखर को विवेक के खिलाफ भकाने में सफल हो जाता है। जग्गा शेखर को कान, जो उसका छोटा भाई होता है वो तो थोड़ा नासमझ होता है, उसका कान भर देता है और कहता है कि तुम्हारा भाई विवेक जो है अपनी सारी जमीन अपनी पत्नी के नाम को कर देगा और तुम्हें कुछ नहीं देगा। तो इस बात को लेकर शेखर अपने भाई विवेक से
झगड़ा करता है और जमीन बंटवारे की जिद करता है कि मेरा आप जमीन हमको बंटवारा कर दीजिए। तो विवेक जो कि बहुत ही अच्छा बड़ा भाई है, वो बोलता है भाई ऐसा क्यों कह रहे हो, हम लोग का तो सारा एक ही है। तो वो बोलता है नहीं, अब हमको अपना इसमें हिस्सा चाहिए। इससे दोनों भाई के बीच मतभेद स्टार्ट हो जाता है और जो बड़ा भाई होता है विवेक, वो बहुत ही आश्चर्य हो जाता है कि वो ऐसा भाई वैसा उसका भाई ऐसा क्यों कर रहा है। विवेक शेखर को डांट देता है, शेखर को जगा की बात पर पूरी तरह विश्वास हो जाता है कि अगर मेरा भाई मुझे डांट रहा है इसका मतलब सही बात है कि वो कुछ ना कुछ मेरे पीठ पीछे कर रहा है। तो एक दिन दोनों भाइयों में खूब झगड़ा होता है। इस पर शेखर विवेक पर बंदूक तान देता है। उधर विराट पहले से ही पिस्तौल लेकर घात लगाया रहता है कि वो लोग, जब वो आपका विराट भकाने का कार्यक्रम करता है तो वो बोलता है कि जाओ अपने भाई पे तुम झूठ मूठ का बंदूक रख दो सीने पे और बोलना कि हमको मेरा सारा ज़मीन लिख दो वरना मैं गोली मार दूंगा। मगर उसे क्या पता रहता है कि पीछे से ऑलरेडी विराट अपने पिस्तौल को लेकर वहाँ पर ताक पे है और वह विवेक पर पिस्तौल चला देता है और विवेक की तत्कालीन मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार विवेक का तो बेचारा इस मतभेद में वो मारा जाता है। ठीक है, उसके भाई गोली नहीं चलाता है बट पीछे से विराट गोली चला के उसके भाई विवेक को मार डालता है। शेखर बेचारा भोला भाला किसान घबरा जाता है। उसे लगता है कि विवेक की हत्या उसी की बंदूक से हुआ है, पर वह थाने में जाकर आत्मसमर्पण कर देता है। उधर विराट अपने पिस्तौल पत्नी भावना को देकर बोल देता है कि ये लो, अगर तुम अपने पति अपने अपने सुहाग को बचाना चाहती हो तो इस पिस्तौल को कभी किसी के सामने लाना मत और किसी के जिक्र मत करना। और क्या होता है कि विराट का, जैसे मैंने कहा कि बहुत ही आपका शराबी रहता है और अपनी पत्नी के ऊपर बहुत ही वो अत्याचार भी करता है, मारता पीटता है और कभी उसे खुश नहीं रखता है। ठीक है, इसका ये नेगेटिव करेक्टर ही रहा है शुरू से। शेखर पर मुकदमा चलाता है, शेखर पर अब मुकदमा चलने लगता है कोर्ट पे, आपको जैसा कि मैंने कहा है कोर्ट पे ही हो रहा है सब कुछ। जिस दिन मुकदमे का फैसला होना था उस दिन विराट की पत्नी भावना जज के सामने पिस्तौल रख ले कहती है कि जज साहब ये आपका शेखर कातिल नहीं है, क्योंकि यह जो कि आपका विवेक के शरीर से जो आपका बुलेट निकला है वह किसी अरे वो दूसरे बड़े बंदूक का नहीं होकर वो पिस्तौल का बंदूक का है। ठीक है, तो इससे वो साफ हो जाता है और वो पिस्तौल को दे देती है जज साहब को उसमें से, और आपका जो होता है विराट वो दोषी करार दे दिया जाता है। इससे क्या होता है कि पूरे केस में पुष्टि हो जाती है कि कौन कौन आपका दोषी है कौन नहीं। तो इसमें विराट आपका दोषी करार होता है और केस आपका फेवर में चल जाता है शेखर के, और शेखर इसमें बहुत ही दुखी होता है। और एक उनकी पत्नी विवेक की पत्नी जो रचना होती है वह एक वसीयत नामा देती है शेखर के हाथ पे और बोलती है कि लो तुम्हारे भैया ने पूरे ज़मीन को ही तुम्हारे नाम कर रखा था और वे इंतज़ार में थे कि कभी वो समय आएगा तो तुम्हें वो पूरे ज़मीन को दे देंगे। उन्हें कोई भी लालच नहीं था ज़मीन को रखने का। और इस चीज़ को सुन के वो बहुत ही आत्मविभोर हो जाते हैं, बहुत ही दुख हो जाता है शेखर को और वो बोलता है भाभी मुझे माफ़ कर दीजिए। पर भाभी उसका बोलती है कि मुझे कोई भी ज़मीन नहीं चाहिए जिसमें मेरा पति का खून से वो रंगा हुआ है। ठीक है, शेखर को भारी पछतावा हो जाता है, वह भाभी के पैरों पर गिर जाता है जैसा कि मैंने कहा। और कारखाने का जो मालिक होता है रेवती लाल, वो एक बीच में जब शेखर जब विवेक जिंदा होता है तो वो देता है विवेक को 5,000 रुपया आपका मशीन को खरीदने के लिए, क्योंकि वो 5,000 इसलिए देता है क्योंकि विवेक और शेखर मिल के पैसा जमा कर रहे थे आपका टुल्लू पंप खरीदने के लिए। मगर क्या होता है कि वो आपका जो रेती लाल होता है वो उसके घर पे चोरी करा देता है, क्योंकि वो बहुत ही जलन करता है कि बाप रे वो 5,000 रुपये जमा कर लेगा। और वो क्या होता है कि उससे 500 रुपये घट भी रहा था, वो मांगने जाता है तो वो उससे चोरी करवा देता है और बाद में वही पैसा देता है 5,000। और लास्ट में जब वो रेवती लाल मांगने आता है आपका शेखर से तो शेखर बोल देता है डायरेक्ट कि आप मेरे भाई से ले लो क्योंकि मैं तो आपसे लिया नहीं है। तो उससे क्या होता है कि रेवती लाल का भी बिजनेस ठप हो जाता है। तो वो बहुत ही चालाक बन रहा था तो वो उसका भी 5,000 रुपया, और उस वक्त 5,000 रुपये बहुत ही मायने रखते थे। ठीक है, अब तो आपका ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाता है और आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको अच्छा ही लगा होगा क्योंकि मैंने तो इसे शॉर्ट एंड समरी में बताया है। अगर आप पूरा स्टोरी को पढ़िएगा तो काफ़ी लंबा है और आपको सच में अगर आप पूरा स्टोरी पढ़ लिए तो आपको ज़रूर आप भी मेरी तरह इमोशनल हो जाएंगे। इसमें आपको मैंने कुछ कुछ क्वेश्चंस दे दिए हैं ताकि इसे आप अटेम्प्ट करिए और आप चेक करिए कि आपको ये स्टोरीज पढ़ के आपको कैसा समझ में आया है कि नहीं, और आपको शुरू से अंत तक पढ़िएगा तो आप पूरा टिक कर सकते हैं।
मुझे ये विश्वास है आप पे, अगर आप अच्छे से एक बार मेरे PDF को पढ़ लेंगे। और आपको PDF चाहिएगा, PDF में बहुत ही लोगों को समस्या होती है, तो मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक में डाल दूंगा आपका वीडियो के अंत में तो नहीं बट डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उस वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा या फिर कमेंट करिएगा, मैं वहाँ आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहीं से PDF इसका डाउनलोड कर लीजिएगा। सो आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। और इसी के साथ हम लोग का चारों नाटक पूरा कंप्लीट खत्म हो चुका है, और आप प्लीज़ क्वेश्चंस को लास्ट में अटेम्प्ट जरूर करिएगा, इससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा एग्ज़ाम में। और ये आपका आंसर की भी है लास्ट में मैंने दे दिया है, आप चेक भी कर लीजिएगा आपका आंसर सही है या फिर गलत है। सो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए इस वीडियो को। सो थैंक यू।